यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सीएस भाटी ई लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। अगला मार्किंग टूल है ट्रैमल और कंपास। पहले हम ट्रैमल के बारे में जानकारी लेते हैं। तो ट्रैमल एक मार्किंग टूल होता है। ट्रैमल में एक स्टील की रॉड लगी होती है जिसे हम बीम कहते हैं। बीम के ऊपर चित्र देखिए, दो स्लाइडिंग हेड लगे होते हैं। इनको इस पर इधर उधर कहीं पर भी खिसकाया जा सकता है। इन स्लाइडिंग हेड को कसने के लिए एक क्लैंपिंग नट भी लगा होता है इनके ऊपर। हेड के साथ स्क्राइबर फिट किए होते हैं। इसके साथ एडजस्टमेंट स्क्रू भी होता है। क्लैंपिंग नट की सहायता से स्लाइडिंग हेड को बीम पर आवश्यकता अनुसार हम कहीं भी कस सकते हैं और कैरियर की सहायता से फाइन एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके चक में पॉइंट की जगह कैलिपर पॉइंट भी फिट किए जा सकते हैं जिसके द्वारा अंदर और बाहर का माप भी लिया जा सकता है। इसमें बॉल पॉइंट भी होते हैं जिनमें होल का व्यास मापा जा सकता है। अब देखिए, ट्रैमल कार्य के अनुसार 15 से 50 सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं। इनका उपयोग बड़े साइज के यानी कि लगभग 1800 मिलीमीटर तक के सर्किल और आर्क की मार्किंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन पर भी माप स्टील रूल की सहायता से ली जाती है और इनके द्वारा जॉब से लिए गए नाप को स्टील रूल की सहायता से हम पढ़ भी सकते हैं। एक जॉइनिंग स्लीव से दो या अधिक ट्रैमल रॉड को हम आपस में जोड़ भी सकते हैं। तो चित्र देखिए, चित्र में ट्रैमल के पार्ट्स हैं। अगले चित्र में ट्रैमल का क्या प्रयोग है, उसे हम कैसे प्रयोग करते हैं आर्क खींचने के लिए, वो हम देख रहे हैं। तो एक अच्छे ट्रैमल की बीम पर मिलीमीटर, इंच और इनके विभाग डिविजन्स अंकित होते हैं। इसका प्रयोग अधिकतर शीट मेटल में हम करते हैं। देखिए, अब इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। बीम, क्लैंपिंग नट, चक, पॉइंट, कैरियर, एडजस्टिंग स्क्रू और स्विवेल हैंडल। अब ट्रैमल को प्रयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ये देखनी है। ये लगभग वही होंगी जो डिवाइडर को प्रयोग करते समय होती हैं। देखिए, सबसे पहला है ट्रैमल के स्क्राइबर के पॉइंट तेज धार वाले होने चाहिए। दूसरा है, काम में नहीं लाते समय ट्रैमल पर ऑयल या ग्रीस लगा करके हमें इसे सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। कटिंग टूल के साथ में इसका नहीं रखना चाहिए। पॉइंट्स को कठोर सतह पर रगड़ना नहीं चाहिए और इसे हमेशा गिरने से बचाना चाहिए। इसके बाद में देखिए, एक और मार्किंग टूल है कंपास। ये लगभग डिवाइडर से मिलता जुलता होता है लेकिन ये शीट मेटल के काम में प्रयोग किया जाता है। तो शीट मेटल के काम में विभिन्न प्रकार के कंपास प्रयोग करते हैं, इसलिए इनकी परिशुद्धता विभिन्न प्रकार की मार्किंग के लिए अलग अलग होती है। प्रकार का प्रयोग देखिए, रूल की सहायता से कार्य पर मार्किंग को स्थानांतरित करने के लिए। दूसरा, वृत्त और वृत्ताकार चाप लगाने के लिए। तीसरा, सीधी रेखा या वृत्त को समान भागों में बांटने के लिए। ये लगभग वही उपयोग है जो हमें डिवाइडर में मिलते हैं। तो विभिन्न प्रकार के कंपास को चित्र में दिखाया गया है और इनके उपयोग को भी दिखाया गया है। तो मार्किंग करते समय विंग कंपास में लगे नट को हम कस देते हैं जिससे माप में परिवर्तन नहीं होता है। सबसे ज्यादा विंग कंपास ही हम शीट मेटल कार्य में प्रयोग करते हैं। इसमें एक विंग होती है जिसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। चित्र देखिए, चित्र में ट्रैमल, डिवाइडर और कंपास के उपयोग दिखाए गए हैं।